नमस्कार साथियों, सलाम वालेकुम। मैं आज जिस मुद्दे पे आपसे चर्चा करूंगा, रूबरू होऊंगा, वो नेट JRF सेट, इनका जो सिलेबस है उसकी जो यूनिट 6 है उसकी चर्चा करूंगा। ये सीरीज का छठा वीडियो है जिसमें मैं सिलेबस डिस्क्राइब करता हूँ कि सेट नेट JRF का सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट्स में बंटा हुआ है, और ये जो चर्चा चल रही है वो पॉलिटिकल साइंस को लेके। तो इसी चर्चा को मैं आज आगे बढ़ाऊंगा और आपसे आज इस छठे वीडियो में यूनिट 6 की चर्चा करूंगा। भारत की विदेश नीति इस यूनिट का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अलग से एक यूनिट है जिसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं अगर सही पेपर बनाया जाए तो NTA के द्वारा, और भारत की विदेश नीति ये भी एक पूरा यूनिट है जिसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं। तो इस भारत की विदेश नीति में है क्या ये मैं बताऊं, से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज इस टॉपिक के साथ, सॉरी इस यूनिट और इस सिलेबस डिस्क्राइब के साथ, सिलेबस के विश्लेषण के साथ साथ मैं आपको भारत की विदेश नीति के जो शुरुआती 8 साल है वो करवाऊंगा। मैं आपको नेहरू जी की प्रारंभिक जो विदेश नीति थी जब भारत का अभ्युदय हो रहा था एक स्वतंत्र राष्ट्रीय शक्ति के रूप में, उसकी मैं चर्चा करूंगा 1947 से लेकर 1955 तक, 1947 टू 1955, यहां तक जो भारत की विदेश नीति क्या थी, इन सालों में इसने क्या रूप लिया, कैसे नींव तैयार की गई और कैसे भारत एक स्वायत्त स्वतंत्र विदेश नीति लेके सामने आया वैश्विक समुदाय के सामने, और अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना पाया, एक स्वतंत्र पहचान कैसे कायम कर पाया, मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं, लंबी चर्चा नहीं होगी, चर्चा 15-20 मिनट की होगी कुल मिला के। पहले मैं आपको भारत की विदेश नीति है इसमें इसका सिलेबस क्या है इसके ऊपर चर्चा करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। पहले इकाई 6 भारत की विदेश नीति, देखिए ये है इसका पूरा सिलेबस। भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण क्या है, अप्रोच है, उत्तर औपनिवेशिक क्योंकि देश गुलामी से मुक्त हुआ था, पोस्ट कॉलोनियल, विकासात्मक, उदयमान शक्ति और उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में जो भारत की पहचान है वो किस प्रकार बनी। देखिए यहां से जो क्वेश्चन आ सकता है वो एक क्वेश्चन आ सकता है, वह मुश्किल, भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव, सिद्धांत तथा निर्धारक तत्व, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसकी प्रासंगिकता, हिस्टोरिकल इसका पर्सपेक्टिव क्या है और इसका रिलेवेंस क्या है वर्तमान में भी, और भारत की परमाणु नीति ये क्या है, इसके ऊपर यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो मुझे पूरा वो है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही कुछ होता है, लगभग पेपर में अगर देखें तो आप ऐसा ही हुआ है, 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। उसके बाद क्योंकि इसके ऊपर तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के ऊपर तो एक क्वेश्चन हर हालात में आएगा, चाहे कोई कोटेशन आए, चाहे कोई फैक्ट आए, चाहे कोई अवधारणा आए, चाहे इसका रिलेवेंस आए वर्तमान में, इसके सम्मेलन के संदर्भ में आए, एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद है प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध, US के साथ है, USSR के साथ है, उसके बाद रशिया के साथ है 91 के बाद, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम चीन कहते हैं आजकल, माउत से तुंग वाला चीन, इसकी चर्चा है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत के संबंध, EU के साथ भारत के संबंध, यूरोपियन यूनियन के साथ, ब्रिक्स, आसियान, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकी संघ, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय, और यहां से एक क्वेश्चन यहां से बनता है।
उसके बाद है भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे, इसमें है सार्क। उसके बाद है दक्षिण एशिया सहयोग संगठन, गुजराल सिद्धांत है, पड़ोसियों को वरीयता देने का सिद्धांत गुजराल डॉक्ट्रिन है, लुक ईस्ट पॉलिसी है नरसिम्हा राव द्वारा चालू की गई, मोदी जी द्वारा चालू की गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी की चर्चा है, उसके बाद लुक वेस्ट है जो मनमोहन सिंह जी के समय हुई थी। यहां से जो चांस बनते हैं पड़ोसी देशों के साथ संबंध, और इस संदर्भ में दो क्वेश्चन के चांस बनते हैं। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की प्राक्रमण या नेगोशिएशन की कार्य नीति क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कैसे संबंध रखे भारत ने, WTO के साथ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसके ऊपर आ सकता है एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है जो समसामयिक चुनौतियां हैं, चाहे वो समुद्री सुरक्षा को लेके हो जिसके लिए भारत क्वाड का निर्माण कर रहा है, ऊर्जा सुरक्षा को लेके हो जिसके तहत भारत इराक से भी और ईरान से भी और अब तो रशिया तक से तेल खरीद रहा है वो भी है, पर्यावरणीय सुरक्षा को लेके भारत का जो योगदान है, चाहे वो कोप के द्वारा जो ये सोलर अलायंस बनाया गया इसकी चर्चा हो, प्रवासन और शरणार्थियों के मुद्दे है, जल संसाधन है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद है और साइबर सिक्योरिटी है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। अगर आप इनमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखना चाहें, अगर आप कहें नहीं आपको 6-7 क्वेश्चन करने हैं, तो एक तो भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव, दूसरा है प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध जहां से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, और तीसरा है भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा है हो सकता है इसमें से 1 आ जाए, हो सकता है कहीं से 2 आ जाए, लेकिन बड़ा बड़ा विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। तो आप जब भी भारत की विदेश नीति का अध्ययन अध्यापन कुछ भी आरंभ करें, आप इसको पढ़ना आरंभ करें, उससे पहले सिलेबस को आप अच्छी तरह से देख लें कि मुझे इसमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो अच्छी तरह से करने, फिर आप जब ये डिसाइड कर लेते हैं फिर आप डिसाइड क्वेश्चंस देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं भारत की विदेश नीति पर, उनको अलग से कर लीजिए, और उसके बाद आप जो शुरुआत करेंगे वो आप मटेरियल इकट्ठा करेंगे, ये मटेरियल सारा कहाँ मिल सकता है आपको और गाइडेंस कहाँ से मिल सकती है, इसके बाद आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। अब मैं भारत की जो विदेश नीति है इसके तहत आज आपको जो टॉपिक करवाऊंगा वो करवाऊंगा भारत की विदेश नीति 1947 से लेकर 1955 तक क्या थी। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति भारत का अभ्युदय, भारत की इमर्जिंग की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत का अभ्युदय कैसे हुआ, और मैं चर्चा करूंगा 1947 से लेके और 1955 तक की। हम 2 काल बांट लेते हैं, ये वो काल है जब भारत की विदेश नीति की नींव तैयार हो रही है और इस नींव के ऊपर फिर भारतीय विदेश नीति का आगे का पूरा भवन खड़ा किया गया, और ये इतनी सॉलिड थी भारत की इस समय की विदेश नीति कि उसके ऊपर बहुत अच्छा भवन खड़ा हुआ, और उस भवन के कंगूरे हैं वो आज तक चमक रहे हैं। तो ये है आज विदेश नीति से रिलेटेड टॉपिक। विदेश नीति की जो शुरुआती नींव और जो शुरुआती नींव के पत्थर रखे गए उनमें 2 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरा हम चर्चा करेंगे वी कृष्ण मेनन की जो चीन में हमारे राजदूत रहे, ब्रिटेन में राजदूत रहे, और ये कृष्ण मेनन 1962 के इंडो चाइना वार के समय भारत के रक्षा मंत्री भी थे,
बाद में कृष्ण मेनन को उनके इस पद से हटाया गया क्योंकि चाइना वार में भारत को हार का मुंह देखना पड़ा था। उसके बाद वीपी कृष्णा मेनन को हटाया गया। इनका भी योगदान है। देखिए सब नकारात्मक नहीं, इनका सकारात्मक योगदान भी है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की विदेश नीति की जो नींव तैयार की उसमें वो कहां सफल रहे कहां असफल रहे ये आज हम कह सकते हैं। देखिए जब भी विदेश नीति में कोई कदम उठाया जाता है तो वो सोच समझ के उठाया जाता है, राष्ट्रहित में उठाया जाता है, नेशन फर्स्ट मान के उठाया जाता है। लेकिन इसका आंकलन है वो बाद का भविष्य करता है कि कई बार कुछ चालें हैं वो उल्टी पड़ जाती है और कुछ चालें हैं जो सीधी पड़ जाती है। जब विरोधियों को मौका मिलता है तो फिर जो सकारात्मक चालें हैं उनको छुपा दिया जाता है और नकारात्मक जो कुछ हुआ, हालांकि उस टाइम इच्छा नहीं होती, घटना इस प्रकार घटित होती है कि चाल चलने वाला कोई एक देश नहीं होता और देश भी चालें चलते हैं। तो बाद में भविष्य में जब आंकलन किया जाता है तो वो फिर आलोचना करते हैं कि ये इनकी कमियां थी, फिर अच्छाइयां दब जाती है। तो क्या नेहरू की शुरुआती जो विदेश नीति थी वो सफल थी या असफल थी, मैं इसी मुद्दे के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस दौरान मैं बायस्ड नहीं हूं, मेरा झुकाव किसी एक पक्ष की ओर नहीं हो, बल्कि मैं एक निरपेक्ष विश्लेषण कर पाऊं। हालांकि किसी मानव के लिए, किसी मनुष्य के लिए जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है, निरपेक्ष होना बहुत ही मुश्किल है। भले ही व्यवहारवादी कह के गए होंगे, विज्ञानवादी अनुभववादी कह के गए होंगे कि राजनीति शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वालों को अपने अध्ययन में, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर हो चाहे वो फिर मेरी तरह कोई अध्यापक हो या फिर कोई राइटर हो, कोई और अध्ययन करता हो, कोई रिसर्चर हो, उसको अपने अध्ययन में बायस्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए मानव प्रवृत्ति है, आप इन प्रवृत्तियों को रोक नहीं सकते। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोकूं, फिर भी देखिए क्या होता है, यह आंकलन आपका होगा। तो मैं चर्चा करूंगा 1946 से लेके और 1955 तक की। देखिए सबसे पहले भारतीय विदेश नीति के समक्ष जो संकट आए उन संकटों की चर्चा करता हूं। भारत की विदेश नीति के समक्ष संकट या भारत के एज ए नेशन क्या संकट आए, तो देखिए पहला संकट आया वो आया विभाजन का। दूसरा संकट आया वो आया रियासतों का। तीसरा जो संकट आया वो आया सुरक्षा। पहले मैं संक्षिप्त चर्चा इन तीनों संकटों पे करूंगा चर्चा, और ये सारे मुद्दे हैं 1947 से और कहां तक रखेंगे हम 1955 के मध्य तक, हो सकता है कई बात आगे चली जाए। देखिए भारत का विभाजन कर दिया गया। देखिए दोषी अंग्रेज भी थे और दोषी हिंदू और मुस्लिम भी थे। अंग्रेजों के दो उद्देश्य थे भारत का विभाजन करने के। एक उद्देश्य तो ये था डिवाइड एंड रूल, कि बांटो और राज करो। और 1909 से ही भारत शासन अधिनियम से, मार्लेमेंटो सुधारों से ही उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। ये कहा गया, मार्ले ने ये लिखा कि हमने अब नाग के दांत बो दिए हैं और नाग का जो विष फैलेगा तो बहुत घातक होगा इस देश के लिए। वो विष फैला 1947 में जब भारत के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान के रूप में। चाहे वो जिन्ना की हठधर्मिता थी या फिर वो नेहरू और पटेल की सत्ता की भूख थी या फिर गांधी की नीतियों की असफलता कह लीजिए, विभाजन के संदर्भ में उनकी दृढ़ निश्चयता का अभाव कह लीजिए, या फिर हिंदुओं और मुस्लिमों की कट्टरता कह लीजिए, बहुत सारे गुनहगार थे, जैसा कि लोहिया जी कह के गए हैं, इंडियाज पार्टीशन के जो भी गुनहगार हैं उनके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी। तो ये विभाजन हो गया। अंग्रेज भी यही शो करना चाहते थे कि भारत की एकता और अखंडता सिर्फ अंग्रेजों के ब्रिटिश काल में ही संभव है। अगर ब्रिटिश चले गए
तो ये देश विभाजित हो जाएगा। देखिए वो खुद इसीलिए विभाजन करके गए थे सिर्फ ये साबित करने के लिए कि सिर्फ ब्रिटेन ही है जो भारत को एक रख सकता था। तो खैर देश आजाद हो गया, ये इतिहास की घटना है, चाहे दर्द हो। लेकिन कई बार जब कोई नासुर तंग करने लग जाए तो कई बार अंग काट देते हैं तो वो आगे नहीं फैलता, होता है कई बार ऐसा, तात्कालिक परिस्थितियों में ऐसा हुआ। अगला संकट आया वो रियासतों का आया। पहले मैं ये बताऊं कि विभाजन से परिणाम क्या निकला, फिर परिणाम विदेश नीति के संदर्भ में ये निकला कि पड़ोस में एक दुश्मन खड़ा हो गया और इस दुश्मन की चालों ने आज तक हमारी नाक में दम कर रखा है। दूसरा संकट आया रियासतों का। जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने पैरामाउंट सी, सर्वोच्चता कहते हैं पैरामाउंट सी, पैरामाउंट सी की पॉलिसी के तहत ब्रिटिश देशी रियासतों के ऊपर सर्वोच्चता रखा करते थे। देशी रियासतें जो कुछ करेगी वो ब्रिटिश से शासन और प्रशासन से पूछ के करेगी। 1947 में जब अंग्रेज शीघ्रता से भारत छोड़ने और भारत से पलायन और भारत से भागने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि भारत उनके गले में आ रहा था, सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि इन सांप्रदायिक दंगों का जो लाल खून है उसके छींटे अंग्रेजों की चादर पे पड़े, लेकिन खैर इसीलिए वो जल्दी भागे थे। तो पैरामाउंट सी की इस पॉलिसी को उन्होंने वापस लिया और ये कहा कि रियासतें अब अपना अस्तित्व निर्धारण करने के लिए स्वायत्त है, स्वतंत्र है, वो चाहे वैसा ही करें। तब कुछ रियासतों के मन में उमंग पैदा हुई। ऐसी रियासतों में भोपाल का नवाब भी था, ऐसी रियासतों में हैदराबाद का निजाम भी था, जूनागढ़ का नवाब भी था, कश्मीर का राजा हरी सिंह भी था और जोधपुर का राजा भी था हनुमान सिंह। ये चाह रहे थे कि हम भी स्वायत्त हो जाएं, आजाद हो जाएं। कुछ और छोटी रियासतें भी कुछ ऐसा ही सपना देख रहे थे जिसमें त्रावणकोर भी था। तो देखिए अंग्रेजों की जो नीति थी पैरामाउंट सी को हटाने के बाद वो बालकन प्लान था। बालकन का होता है देश के छोटे छोटे टुकड़े कर दो ताकि फिर भारत कभी मजबूत देश नहीं रह पाए, क्योंकि ये टुकड़े आपस में लड़ेंगे, ये छोटे छोटे देश बन जाएंगे, आपस में लड़ते रहेंगे ये, और एक नेशन के रूप में भारत कभी भी शक्ति के रूप में उदित नहीं हो पाएगा। लेकिन गनीपन मानिए कि भारत के पास एक लोह पुरुष था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने अधिकांश ऐसी समस्याओं का समाधान कर दिया। सिर्फ दो जगह ताकत का प्रयोग किया गया, हैदराबाद के निजाम के ऊपर और जूनागढ़ में, बाकी रियासतों का डरा धमका के विलय कर लिया गया। लेकिन एक रियासत ने पैदा संकट पैदा कर दिया और वो था J&K। और J&K ने ऐसा वो पूरा संकट पैदा किया कि अभी तक ये भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक चुनौती है। तो दूसरा था रियासतों का संकट, जिसमें J&K रोड़ा बन गया एक अच्छी विदेश नीति के निर्माण में। और नेहरू की असफलता जब गिनाई जाती है तो J&K की समस्या का सही समाधान नहीं करना भी उनकी एक असफलता है। तीसरा है सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा आर्थिक, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो अंग्रेज भारत को देके गए थे गरीबी, पुअर्टी, भारत को वो देके गए थे अशिक्षा और बीमारी, तीन चीजें वो भारत को देके गए जिनसे भारतीयों को लड़ना था। यही दे सकता है कोई एक औपनिवेशिक पाश्चात्य देश किसी भी एक थर्ड वर्ल्ड के देश को यही देके गया था, अफ्रीका के देशों को, एशियन देशों को हिस्से में आया था, गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी। तो आर्थिक रूप से भारत एक कमजोर राष्ट्र था। सुरक्षा, दो देश खड़े हो रहे थे, एक पाकिस्तान और दूसरा 1949 में एक नया रिपब्लिक चाइना, ई प्लस रिपब्लिक ऑफ चाइना,
जिसको हम माओ से तुंग वाला साम्यवादी चीन भी कह सकते हैं, वो खड़ा हो रहा था। और भारत की सुरक्षा के लिए जो साजो सामान चाहिए वो भारत के पास नहीं था, तो भारत मुखापेक्षी था, भारत मुंह देखता रहता था ब्रिटेन का, कभी यूएसए का और किसी और देश का। और ब्रिटेन ने और यूएस ने इसका भारी फायदा भी उठाया, भारत को धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आर्थिक सुरक्षा, दूसरा आपकी भौगोलिक सुरक्षा, ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे मान लेते हैं। अब आगे का जो अपनी चर्चा होगी कुछ घटनाओं के माध्यम से इन चीजों को समझना होगा और विभिन्न देशों के साथ संबंधों को समझना होगा। आज जब अपन चर्चा करेंगे तो चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे प्रिय पड़ोसी देश पाकिस्तान से, फिर रिपब्लिक चाइना से, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, या एक बार मैं उसको चीन लिख देता हूं, फिर मैं यूएसए की चर्चा करूंगा और यूएसएसआर की चर्चा करूंगा। पाकिस्तान, देखिए जब भी हम नेहरू जी की विदेश नीति पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि नेहरू जी की जो विदेश नीति थी तो वो आदर्शवादी थी, वो रोमांटिक थी, यथार्थ से परे थी। लेकिन भारत को यथार्थ राजनीति का जो पहला परिचय करवाया, रियल पॉलिटिक का जो पहला परिचय करवाया, वो पाकिस्तान ने करवाया। और ये था 1948 का कबायली हमला। न केवल कबायली जनजातियों ने बल्कि पाकिस्तान की 3 प्लाटून ने भी इसमें भागीदारी की। और भागीदारी इसलिए की क्योंकि अभी भी जो जे एंड के की जो स्थिति थी वो बिल्कुल क्लियर नहीं थी। हरि सिंह पटेल के समझाने के बावजूद अपनी स्वायत्त और स्वतंत्र नीति और स्वतंत्र नेशन के सपने को बनाए हुए था राजा हरि सिंह। ऐसे में पाकिस्तान ने मुसलमानों का आधार लेके और जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया। ये तो गनीमत थी कि हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और वहां का जो लोकप्रिय नेता था शेख अब्दुल्ला, वो भी भारत के पक्षधर थे, नेहरू से उनके संबंध अच्छे थे। तो हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला, चाहे इनकी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन नेहरू जी और पटेल इनके प्रयासों से जम्मू कश्मीर भारत में विलीन तो हो गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, कबायली हमला हो चुका था। भारत ने इस कबायली हमले को रोकने के प्रयास किए, लेकिन एक गड़बड़ यह हुई कि इस पूरे मुद्दे को नेहरू जी रोकते रोकते भी और यूएनओ में ले गए। यूएनओ में जो मुद्दा गया उसके पीछे दो कारण है। एक, लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू को प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस मुद्दे को यूएनओ में लेके जाइए। दूसरा, खुद नेहरू की जो आदर्शवादी नीति है वो इनको प्रेरित कर रही है कि आप मुद्दा यूएनओ में लेके जाइए। अब नेहरू क्यों लेके गए इस कश्मीर वाले मुद्दे को यूएनओ में? नेहरू ने यह सोचा कि कश्मीर का मुद्दा यूएन में जाएगा और वहां अगर निष्पक्ष फैसला होगा सुरक्षा परिषद में, तो यह होगा कि पाकिस्तान ने भारत की एक रियासत के ऊपर हमला किया है, तो पाकिस्तान की आलोचना की जाएगी, पाकिस्तान पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे और जम्मू कश्मीर के बारे में भारत की जो राजनीतिक और कानूनी स्थिति है वो ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन देखिए, होता इसका उल्टा है और खुद नेहरू स्वीकार करते हैं और अपनी बहन विजयलक्ष्मी को लिखते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि यूएनओ के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसी कुटिल चालें चली जाएगी। परिणाम क्या निकला कि ये मामला जाके उलझ गया। यूएसए ने, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने पाकिस्तान का साथ दिया और मानने से इनकार कर दिया कि गलती पाकिस्तान की है।
खैर जो भी हो, उसके बाद एक वहां से कमीशन आया और उस कमीशन ने फैसला ये दिया कि फैसला क्या दिया, उसने प्रपोजल दिया कि पाकिस्तान पहले अपनी सेनाएं हटाएगा, फिर भारत अपनी सेनाएं हटाएगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होगा। नेहरू जी ने उस कमीशन के इस प्रस्ताव को मान लिया। वो इसलिए क्योंकि नेहरू जी को ये लगता था कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले हिंदू हैं वो जनमत संग्रह में भारत का साथ देंगे, शेख अब्दुल्ला का बहुत बड़ा वजूद है कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर, वो भी भारत का साथ देंगे तो जनमत संग्रह में भारत के दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो आज तक नहीं हुआ देखिए, और आज तक ये पूरा जो मुद्दा है ये उलझा हुआ है जम्मू कश्मीर वाला। तो ये थी शुरुआती नीति जो पाकिस्तान के संदर्भ में थी। अब पाकिस्तान को छोड़ते हैं और एक दूसरे देश की तरफ चलते हैं और वो देश है चाइना। 1949 माओवादी क्रांति हुई और माओ त्सेतुंग ने एक सफल साम्यवादी क्रांति के द्वारा यहां कोमांतिंग सरकार को उखाड़ फेंका और यहां चांग काई शेक सत्ता छोड़ के चले गए। फार्मोसा, जिसको आजकल हम ताइवान बोलते हैं, चीन के ऊपर जिसको मुख्य चीन है, रिपब्लिक चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसका पूरा नाम है, उसके ऊपर माओ त्सेतुंग और उसके साम्यवादी साथियों का कब्जा हो गया। भारत वह पहला गणतांत्रिक देश था, प्रथम गणतांत्रिक देश। देखिए भारत प्रथम देश नहीं था बल्कि प्रथम गणतांत्रिक देश था। भूटान ने भी मान्यता दी थी और उन्होंने मान्यता दी थी, लेकिन भूटान तो गणतांत्रिक है नहीं। तो भारत ध्यान रखे प्रथम गणतांत्रिक देश था जिसने इस चीन को मान्यता दी थी। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य था कि चीन के साथ संबंध बनाए जाए, एक सौहार्दपूर्ण एशिया का निर्माण किया जाए और चीन को साथ लेके भारत अपनी स्थिति को और मजबूत करे। क्योंकि पड़ोस में अगर आपके दुश्मन खड़ा हो गया है और अभी आप ताजा ताजा ही स्वतंत्र हुए हैं, आपके टुकड़े हुए हैं, आपके सामने और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो चीन जैसा एक और दुश्मन खड़ा नहीं हो जाए तो उसको शुरुआत में साथ लिया जाए। ये था चीन के साथ शुरुआती संबंध भारत के बहुत ही प्रेम पूर्वक रहे और इतने घनिष्ठ रहे। ऐसा स्वर्णिम काल आया कि 1954 में भारत और चीन के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए एक समझौता किया गया और इस समझौते का नाम था पंचशील। भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के मध्य यह समझौता हुआ। लेकिन देखिए 1954 में एक और बड़ी घटना हुई। अगले ही साल 55 में भारत पाक और चीन के संबंधों में वहां से दिक्कत होना शुरू होती है। 1955 में बांडुंग में एशिया अफ्रीका नेशंस का एशियन अफ्रीकन नेशंस कॉन्फ्रेंस होनी थी, सम्मेलन होना था एशिया अफ्रीका देशों का, बांडुंग का सम्मेलन, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि यहां नींव रखी गई थी नेम की, हालांकि नियम की नींव से पहले रखी गई थी, रूपरेखा पहले ही बन गई थी 1954 में कोलंबो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें। बांडुंग में चाउ एन लाई को जाना था और चाउ एन लाई को हांगकांग से उड़ान भर के और इंडोनेशिया के बांडुंग में जाना था। चाउ एन लाई के लिए तैयार खड़ा था एक भारत का हवाई जहाज, द कश्मीर प्रिंसेस। देखिए नाम सुनिए, द कश्मीर प्रिंसेस। चाउ एन लाई जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनको उस द कश्मीर प्रिंसेस हवाई जहाज पे बैठना था जो भारतीय था और उनको बांडुंग जाना था। देखिए जब ये बनक यूके और यूएसए को लगी तो उन्होंने चाउ एन लाई के उस जहाज को बम विस्फोट के द्वारा आसमान में ही उड़ाने का निश्चय कर लिया। क्यों कर लिया? क्यों मारना चाहते हैं चाउ एन लाई को यूके और यूएसए के जो कूटनीतिज्ञ हैं? वो इसलिए कि इसे एक तीर से कई निशाने सदेंगे। चीन को ड्राया जा सकेगा
भारत और चीन के संबंध खराब किए जा सकेंगे, क्योंकि हवाई जहाज कहाँ का, भारत का। लेकिन देखिए, इसकी भनक चीन को पहले लग गई थी और चाउ एन लाई दूसरे जहाज से गुपचुप तरीके से बांडुक पहुंच गए। लेकिन कुछ हद तक यूके यू से थोड़े बहुत सफल हो गए थे चीन के मस्तिष्क में ये घुसाने के कि ये भारत की चाल थी। खैर, जो भी हो, कितनी बड़ी घटना घटते घटते रह गए। 1955 में जब बांडुक का सम्मेलन हुआ तो एक गड़बड़ोर हुई। नेहरू जी ने एशिया और अफ्रीका के नेताओं से परिचय कराया कि ये है चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई। इसका तात्पर्य, आपको तो सब जानते हैं लेकिन चाउ एन लाई है ये तो अननोन आदमी, इसको कोई नहीं जानता, तो आप इसका परिचय करा रहे हो। चाउ एन लाई और चाइना के कूटनीतिज्ञों को ये बात भी बुरी लगी, और चाइना भी कभी नहीं चाहता था कि भारत एक शक्ति के रूप में उसके बराबर खड़ा हो जाए, क्योंकि एशिया में ये दोनों राष्ट्र अपने अपने प्रभुत्व स्थापना के लिए अग्रेसिव थे। चाइना कह रहा था मैं शक्तिशाली हूं, भारत के नेहरू जी कह रहे थे मैं शक्तिशाली हूं। नेहरू जी को पता था कि चाइना क्या कर सकता है, लेकिन नेहरू जी की मजबूरी थी, क्योंकि भारत एक देखिए कमजोर राष्ट्र था तब तक। आज के मुद्दे अलग हैं, आज तो परमाणु बम आ गए, कोई किसी से कमजोर नहीं है। पाकिस्तान भले कितना ही कमजोर हो लेकिन परमाणु बम है तो कभी भी भारत उसको दबा नहीं सकता। आज की स्थिति अलग है लेकिन उस समय की स्थिति अलग थी। तो ये मैंने आपको बांडों का सम्मेलन, पंचशील और चाउ एन लाई की हत्या की जो षड्यंत्र रचा गया उसका पर्दाफाश और इस संदर्भ में क्या कूटनीति हुई उसकी चर्चा की। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा यूएस की, कि यूएस के और भारत के संबंध कैसे थे, क्योंकि महाशक्तियों के साथ संबंध है। देखिए, यूएस के साथ हमारे संबंध नहीं थे। ट्रूमैन को ये लगता था कि भारत उसकी राह में रोड़ा है। जो शुरुआत राष्ट्रपति है 1947 में यूएस के, क्योंकि नेहरू जी 1948 में यूएसए गए थे तो उनको खास तवज्जो नहीं दी गई। ट्रूमैन ये सोचता था कि नेहरू की जो आदर्शवादी नीति है, दोनों गुटों को साधने के, दोनों गुटों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की जो नीति है, वो नीति अच्छी नहीं है। वो ये सोचते थे कि भारत को सहायता हम दें, और भारत हमारा ही पक्षधर नहीं हो तो फिर भारत को सहायता ही क्यों दे। ट्रूमैन चले गए, आइजनहोवर आए। तो आइजनहोवर भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, लेकिन उनका जो स्टेट सेक्रेटरी था, विदेश मंत्री था, जॉन फॉस्टर डलेस, वो भारत के बारे में अच्छी सोच नहीं रखता था। उसका ये कहना था, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे साथ नहीं है तो आप हमारे दुश्मन है। इसका मतलब आपको एक खेमे में तो जाना होगा, चाहे तो आप यूएसएसआर के साथ है चाहे यूएसए के साथ है। अगर आप यूएसए के साथ नहीं है तो कोई थर्ड फ्रंट नहीं है, बल्कि आप यूएसएसआर के साथ है। लेकिन देखिए, एक काम तो सही हुआ, यूएस ने दो बड़े जोरदार काम किए भारत के लिए। पहला काम, 1960 के दशक तक अंत आते आते जब कैनेडी आए, तब यूएस ने एक प्रपोजल रखा नेहरू जी के समक्ष कि नेहरू जी, हम आपको बना रहे हैं यूएनओ की जो तो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका स्थायी सदस्य है। देखिए कितनी बड़ी बात है, भारत पिछले 60 साल से, 60 क्यों हो गए, अब तो 70 साल हो गए, और 70 क्योंकि 75 हो गए, 75 वर्षगांठ हो रही है, प्रयास कर रहा है कि वो यूएनओ की स्थायी सदस्य का सदस्य बन जाए, वो यूएनओ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाए। आज जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें चीन नहीं होता, उसकी जगह भारत था। जब ये प्रपोजल रखा गया भारत के समक्ष कि हम आपको स्थायी सदस्यता दे रहे हैं, उस समय वर्तमान चीन था, ये नहीं था सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, बल्कि इस उसकी बजाय ताइवान था। पश्चिमी शक्तियां उस ताइवान को ही चीन कहा करती थी, तो उस ताइवान को हटाना बहुत आसान था सुरक्षा परिषद से, और उसकी जगह भारत को लिया जा सकता था सुरक्षा परिषद में। अमेरिका ये सोचता था कि सुरक्षा परिषद में भारत आ गया तो एक तो अमेरिका समर्थक देशों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए उससे सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य थे जिसमें ताइवान का महत्व तो था ही नहीं, ये मान लिया।
तो चार ही मान लीजिए, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसएसआर और यूएस। इन चारों में यूएसएसआर एक तरफ होगा, भारत और राजा एक, तो चार देश एक तरफ होंगे, यूएसएसआर एक तरफ होगा एक। दूसरा भारत अमेरिका के खेमे में आ जाएगा दो। तीसरा इससे भारत और रिपब्लिक चाइना, माओ सेतुंग वाले साम्यवादी चाइना के संबंध खराब हो जाएंगे। तो अमेरिका एक तीर से कई निशाने साधना चाह रहा था। नेहरू जी ने यह कह के कि नहीं, इससे एशियाई सौहार्दता बिगड़ जाएगी, इससे हमारे चाइना के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे, नेहरू जी ने मना कर दिया यूएनओ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने से। परिणाम आज तक भुगत रहे हैं। आज हम भांति भांति की दलील दे रहे हैं, हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमने यूएनओ की शांति सेनाओं में इतना बड़ा भाग लिया है, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम शांति प्रिय देश हैं, हम एथिक्स पे चलते हैं, हजार तर्क करते हैं फिर भी सदस्य नहीं बन पाए। तो इस बार मौका था लेकिन हम चूक गए, एक सफलता था, असफलता है ये। दूसरा, यूएसए ने जब 1962 में चाइना आक्रमण किया तो देखिए एक मजेदार तथ्य देखिए क्या हुआ उस दौरान। उस दौरान अमेरिका ने भारत की सहायता के लिए बंगाल की खाड़ी में एक जहाजी बेड़ा भेजा, सातवां जहाजी बेड़ा जिसका नाम है, या इसको जहाजी बेड़ा कहें, जिसका नाम था यूएस एंटरप्राइज। आप कहेंगे आप हमें गलत बता रहे हैं, यूएस एंटरप्राइज का जो जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आया था वो तो 1971 में आया था भारत को डराने के लिए और पाकिस्तान के पक्ष में। तो आप एक नया तथ्य जान लीजिए, यूएस एंटरप्राइज दो बार आया, एक 1962 में और एक 1971 में। 1962 में जब यूएस एंटरप्राइज आया था तो भारत के समर्थन में आया था। अमेरिका का यह कहना था कि अगर चीन बहुत ज्यादा एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा और भारत के बहुत बड़े इलाके पर अगर काबिज होने की कोशिश करेगा तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, सीधा हस्तक्षेप करेगा। इसीलिए चाइना को नियंत्रित करने के लिए 1962 के भारत पाक युद्ध में यूएसए ने भारत की सहायता के लिए यूएस एंटरप्राइजेस का जहाजी बेड़ा भेजा बंगाल की खाड़ी। दोबारा आया था तो उसका उद्देश्य अलग था, दूसरी बार भारत को डराने के लिए आया था पाकिस्तान के समर्थन में, लेकिन 62 में ये भारत के समर्थन में आया था ये जहाजी बेड़ा जो यूएस ने भेजा था। खैर कनेडी आए तो भारत के संबंध सुधर गए, आगे फिर चर्चाएं कर लें। अब देखें कि यूएसएसआर के साथ संबंध, देखिए यूएसएसआर का जो स्टालिन था उस टाइम राष्ट्रपति, जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने दो जोरदार काम किए। एक काम तो ये किया कि भारत ने चाइना के स्वतंत्र होते ही साम्यवादी देश को मान्यता दे दी, यानी प्रथम भारत प्रथम गणतांत्रिक देश। तो इससे तो यूएसएसआर को खुश होना था क्योंकि वो भी तो रिपब्लिक चाइना का, माओवादी चाइना का दोस्त था। दूसरा, जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का आपस में युद्ध हुआ, उत्तरी कोरिया की गलती थी, उसके बावजूद भारत न्यूट्रल रहा और उसने शांति सेना नहीं भेजी पाश्चात्य देशों के साथ, बल्कि उसने वहां डॉक्टरी सहायता जरूर भेजी। और एक मजेदार और चीज देखिए कि भारत देखिए कैसी उभरती हुई शक्ति थी, सिर्फ नकारात्मक पक्ष नहीं है, यूएसएसआर को एक बार छोड़ते हैं। 1950 के बाद जब इंडो ये कोरिया का युद्ध शांत हो गया तो 15,000 कोरियाई चाइना के जो सैनिक थे उनको कैद किया हुआ था पाश्चात्य देशों के द्वारा दक्षिण कोरिया के समर्थन में। तब उनकी वापसी के लिए और इस पूरे मुद्दे को सुलझाने के लिए एक न्यूट्रल नेशंस का, एक निर्लिप्त देशों का एक कमीशन तैयार किया गया। देखिए भारत की कितनी बड़ी इमेज है, और उस कमीशन के में 5 देशों के सदस्य थे और उसका अध्यक्ष भारत को बनाया गया, जनरल थिमैया इसके अध्यक्ष थे। कोरिया युद्ध के बाद जो कैदियों के आदान प्रदान के लिए जो वो बना था कमीशन, और पीएन हक्सर उसके राजनीतिक सलाहकार थे जो बाद में इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव रहे थे। तो देखिए भारत कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है देश की आजादी के 3 साल बाद। तो खैर मैं कह रहा था कि उत्तरी कोरिया की गलती है फिर भी भारत चुप है, तो इससे यूएसएसआर को खुश होना था, वो साम्यवादी चीन को मान्यता दे रहा है इससे भी रशिया को खुश होना था, लेकिन नहीं, स्टालिन तो खुश नहीं हुआ क्योंकि स्टालिन ये माना करता था
कि भारत जिस औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त हुआ है, आज भी भारत के जो नेता हैं वो इलीट्स हैं जिनका रंग चेंज हुआ है, मानसिकता आज भी ब्रिटिश है, और भारत की जो आजादी है उसमें कोई भूमिका नहीं है भारत के सर्वहारा की, बल्कि ये तो शहरी लोगों के द्वारा की गई क्रांति थी, तो बुर्जुआ स्वतंत्रता संग्राम था जो पूंजीपतियों की सहायता से चला था। तो साम्यवादी स्टालिन भारत के साथ संबंध का पक्षधर नहीं था, लेकिन स्टालिन के मरते ही भारत के और यूएसएसआर के संबंध अच्छे हो गए। 53 में मरा और 55 में क्रुश्चेव, जो 54 में वहां के बनते हैं, स्टालिन की मौत के बाद क्रुश्चेव राष्ट्रपति बने, यूएसएसआर के क्रुश्चेव, और बुल्गारिन वहां के प्रधानमंत्री बने। 1955 में दोनों भारत आए। देखिए, यूएस के जो पहले राष्ट्रपति आधिकारिक दौरे पे आए थे वो थे आइजनहावर, और यूएसएसआर के जो पहले राष्ट्रपति आए वो थे क्रुश्चेव। ये दोनों प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भारत के दौरे पे आए और ऐसे संबंध स्थापित हुए भारत और यूएसएसआर के जो 1991 तक बड़े घनिष्ठ रहे। 91 के बाद देखिए सूत्र युद्ध का अंत हुआ, उसके बाद तो स्थितियां अलग थी। तो ये मैंने आपको 10 से 1 साल की विदेश नीति की सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाएं बताई है, पाकिस्तान के संदर्भ में, चीन के संदर्भ में, कैसे चाउ एन लाई को मारने का प्रयास हुआ, कैसे भारत को यूएसए ने ये कहा कि हम आपको बना देते हैं सदस्य, कैसे जो जनरल थिमैया थे वो न्यूट्रल नेशंस के उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया युद्ध के संबंध में अध्यक्ष बने, इन सब की हमने चर्चा की। अब हम और जो चर्चाएं रह गई हैं, चाहे 1956 में नेहरू जी क्यों स्वेज संकट के ऊपर तो बोले लेकिन हंगरी संकट के ऊपर क्यों नहीं बोले, 1962 में क्या कारण थे भारत और चीन के युद्ध के, नेहरू जी कश्मीर में कहां गलत साबित हुए, नेहरू जी चीन के संदर्भ में कहां गलत साबित हुए, नेहरू जी ने कैसी एक सुदृढ़ सॉलिड नींव रखी भारतीय विदेश नीति की, कैसे जब कोलंबो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें रूपरेखा तैयार की गई गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 1954 में, 1955 का बांडुंग क्या था, 1961 में बेलग्रेड में क्या हुआ, इन सब की हम चर्चा करेंगे, और कैसे विजयलक्ष्मी पंडित जो पंडित नेहरू की बहन थी वो पहली महिला बनी या पहली प्रतिनिधि बनी जिसने यूएनओ के सामने सबसे पहले रंग भेद जाति भेद का मुद्दा उठाया अफ्रीका के संदर्भ में, और कैसे भारत एशिया और अफ्रीका के जो औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त हुए देश थे उनका नेतृत्व करने में सफल रहा शुरुआती दौर में, ऐसी कुछ बातें फिर कभी चर्चा करूंगा। आप चाहें तो कलाम एकेडमी का खुद का ऐप है, वहां जाके नेट जेआरपी के संदर्भ में इन सब चीजों को जान सकते हैं और नई नई चीजों को जान सकते हैं। एक काम आप जरूर करें और कुछ नहीं तो कलाम अकेडमी नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल है, वो जरूर ज्वाइन कर लें, उसके ऊपर मैं ऐसे ही मुद्दे लेके समय समय पर आपसे मुखातिब होता रहूंगा, होता रहा हूं और होता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे यूनिट 7 के ऊपर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।